सर मैं आपको अपनी जानिब से पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फखर कर रही है कि आप दूसरी मरतबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं सर आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं कस्टोडियन हैं मगर हकीकत यह है कि अक्सरती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप सत्रहवीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मजाहरा मुझ पर किया हम छोटी पार्टियों पर मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ चार फीसद हैं तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए सर आखिर में सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहाँ पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हिरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है हमको आप आवाज़ का मौका देंगे इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी हम आपसे मुबारकबाद देते हैं शुक्रिया सर